Hello guys, welcome back to another exciting video of Brush and Bros. And yeah, this is me, Priyanka. आज से कुछ महीनों पहले मैंने ग्लोबल कलर से हाईलाइट कैसे करना है हेयर को वो वीडियो अपलोड किया था. ऊपर आईपॉल पे लिंक आ जाएगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड आज मैं ग्लोबल कलर कैसे करना है हेयर पे ये दिखाने वाली हूँ. सो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर ये है स्ट्रिक्स क्रीम हेयर कलर एंड इसका शेड है 4.6 रेडिश ब्राउन. तो ये बॉक्स कुछ ऐसा है एंड इसमें शेड दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है. बॉक्स के पीछे में कुछ इजी स्टेप्स बताए हुए हैं. नीचे में जितने इसके शेड्स अवेलेबल है वो सारे 13 शेड्स दिए हुए हैं. इंग्रेडिएंट्स है, नोट है एंड साइड में इसका प्राइस है जो कि 60 है एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है. एंड दूसरे साइड स्ट्रिक्स के सीरम के बारे में दिया हुआ है सो दैट अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका हेयर कलर बना रहेगा. आइए स्टार्ट करते हैं. एंड बॉक्स के अंदर क्या है ये हम देखते हैं. बॉक्स के अंदर में ये कुछ चीज़ें हैं. फर्स्ट जो है ये है हेयर कलर एंड ये कुछ ऐसे ट्यूब में है. ट्यूब में रहने पे बहुत इजी हो जाता है. उसके बाद ये है डेवलपर एंड ये दोनों को आपको सेम क्वांटिटी में मिक्स करना होता है. तो आपको टेंशन नहीं है, क्वांटिटी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. दोनों में बिल्कुल ही मैच करके ही क्वांटिटी दिया हुआ है, बिल्कुल खाली करके यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, ये इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. बहुत कुछ लिखा हुआ है, शायद पढ़ते पढ़ते दिन रात हो जाए. तो आप एक काम करो, ये वीडियो को पूरा देख लो, इजी हो जाएगा. इसके बाद ये है हैंड ग्लव्स, प्लास्टिक का है ये हैंड ग्लव्स, बहुत इजी होगा, इससे मैसी नहीं होगा. एंड ये है कंडीशनर. ये कंडीशनर स्पेशली कलर्ड हेयर्स के लिए है जो कि कलर को बनाए रखेगा. सो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में आपको मिलेगी. एंड आइए स्टार्ट करते हैं. तो एक आपको ये ऐसा बोल लेना है, कलर पूरा हम लोग खाली कर लेंगे इसमें. तो ये जो ट्यूब है ये सील्ड है तो इस कैप के पीछे में आपको इसका सल्यूशन भी मिल जाएगा. तो इसको प्रेस करेंगे उल्टी तरफ से एंड ये खुल जाएगा सील. एंड इसके बाद इसे पूरा खाली कर लेंगे, डेवलपर को भी पूरा खाली कर लेंगे. कलर को हमने बोल में डाल लिया है, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स 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 करते रहो जब तक पूरा मिक्स ना हो जाए. एंड अब देखो मैं यहाँ प्लास्टिक का कोई ग्लव्स मैंने यूज़ नहीं किया है, मेरे पास था अवेलेबल सो मैंने यही यूज़ किया. बिफोर अप्लाइंग द कलर कुछ ऐसा दिख रहा है इनका हेयर एंड रिजल्ट आपको लास्ट में दिख जाएगा. तो कलर अप्लाई करने के पहले हो सके तो आपके पास अगर वैसलिन अवेलेबल होगा तो हेयर लाइन है वहाँ आप अप्लाई कर ले सो दैट वहाँ कलर लग ना जाए. एंड कलर लग भी जाता है तो इजीली हट जाएगा. एंड बहुत सारे क्लचेस चाहिए होंगे आप लोगों को. सो पहले तो हेयर के दो पार्ट करेंगे हम लोग इस तरीके से, बीच में से पार्टीशन करके दो पार्ट कर लेंगे हेयर का. एंड जो दो पार्ट करेंगे हम लोग तो उस दो पार्ट में भी तीन पार्ट बनेंगे, तीन तीन, दैट्स मीन सिक्स पार्ट्स होंगे, सिक्स पार्टीशंस होंगे. आप चाहो तो सिक्स से ज़्यादा पार्टीशंस कर सकते हो और उससे कम ना करें तो बेटर होगा. बिकॉज ग्लोबल कलर है तो पूरे हर एक हेयर में कलर लगना चाहिए बिकॉज ये हाईलाइटिंग नहीं है. सो इस तरीके से मैं पहला दो पार्टीशन करने के बाद जो मेरे लेफ्ट साइड का पार्टीशन है उसमें मैं तीन और पार्टीशन कर रही हूँ. ये फर्स्ट था, देन ये सेकेंड पार्टीशन. एंड इसे राउंड 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 घुमा के इसे क्लचर की हेल्प से हम सेट कर देंगे. एंड द थर्ड पार्टीशन आप चाहो तो इसे ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा करोगे तो और बेटर होगा, हर एक बालों पे कलर लगेगा. सेम थिंग राइट साइड में भी करेंगे. एंड इस तरीके से सिक्स पार्टीशंस हो गए तो अब इजी होगा कलर अप्लाई करने में. तो चलो अब तो पहला जो हम लोग का पार्टीशन है हेयर का उसे हम खोलते हैं. एंड इसे आप अच्छे से कॉम कर लो आप. अब इसमें भी आपको तीन पार्टीशन करने हैं, आप चाहो तो और ज़्यादा पार्टीशन कर सकते हो लेकिन कम ना करें. आई नो बहुत ज़्यादा आलस आएगा ये करने में, लाइक घर में अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, बट ये बहुत अच्छा एक तरीका है ग्लोबल कलर करने के लिए. एंड सी मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ कलर को. तो इसमें मुझे तीन पार्टीशन करना है. पहला पार्टीशन मैंने किया एंड उसके स्कैल्प के थोड़े से ऊपर से मैंने कलर अप्लाई किया, देन कॉम कर लिया. स्कैल्प पे कलर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए तो स्कैल्प से थोड़े से ऊपर से मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसे फिर से मैंने कॉम कर लिया. तो ये क्या होता है, कलर अप्लाई करने के बाद अगर हम कॉम करते हैं सो एक जगह पे कलर नहीं रहता है, कॉम करने से पूरा मिक्स होता है बालों में एंड वो बहुत अच्छा लुक देता है. या आप बोल सकते हैं वो एक बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है कलर करने के टाइम, याद रखें कॉम करो, कलर करो, कॉम. तो मैं इस तरीके से इस हेयर के पार्टीशन में ऊपर से लेकर नीचे तक में पूरा कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड अपने फिंगर टिप्स
की हेल्प से थोड़ा मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथों से, एंड देन अगेन मैं इसे कॉम करूँगी। इस तरीके से इसे कॉम कर लेंगे, स्कैल्प पे बिल्कुल ना लगे। कॉम की हेल्प से ये पूरा मिक्स हो जा रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। एंड ये हमारे सामने के बाल है, तो सामने के जो हेयर है इसे ज़्यादा डार्क करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट एक अच्छा लुक आता है। इसलिए जो सामने के हेयर्स है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक बार कॉम करने के बाद आप चाहो तो और एक बार उस पर कलर अप्लाई करके फिर से कॉम कर सकते हो। एंड देन ये सेकेंड पार्टीशन पे आती हूँ मैं, सेम प्रोसेस में करूँगी। स्कैल्प से थोड़ा सा ऊपर से मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर को। तो इस तरीके से ये पार्टीशन भी कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। एंड तीनों को एक साथ मैं कॉम कर लूँगी। चाहो तो तीनों को एक साथ कॉम करने के बाद अप्लाई कर सकते हो कलर, अगर आपको लगे कि कहीं मैंने कलर अप्लाई नहीं किया है तो। देन इसे पूरे अच्छे से कॉम करने के बाद इसे भी साइड कर देंगे। देन सेकेंड पार्टीशन पे आएंगे, जो सिक्स पार्टीशन में से जो सेकेंड वन है उस पर आएंगे। एंड देन उस पर भी तीन पार्टीशंस करेंगे, तीनों पे जिस प्रोसेस से मैंने बोला कलर अप्लाई करके उसे कॉम करना है, एंड देन ऊपर से नीचे तक कलर अप्लाई करना है, देन उसे कॉम करना है। इस तरीके से हर एक जो छः पार्टीशन है, छः को इस तरीके प्रोसेस में करने के बाद छः पार्टीशंस जब कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसे अच्छे से हम सभी बालों को एक साथ में कॉम कर लेंगे। एंड इस तरीके से ना कॉम कर लेंगे, एंड देन आपको फील हो या दिखे कि कहीं पे कलर नहीं अप्लाई हुआ है तो फिर से कलर अप्लाई करें एंड अच्छे से कॉम कर लें। ये हमारा प्रोसेस था, कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद 30 to 35 minutes, चाहो तो 40 minutes वेट करना है। कुछ भी नहीं करना है, हेयर पे जैसा है वैसा रखना है। एंड देन हेयर को वॉश कर लेना है, पहले तो पानी से वॉश करना है, तब तक जब तक कि जो एक्स्ट्रा कलर है वो बाल से ना निकल जाए, बिल्कुल प्योर वाटर ना निकले बाल से वॉश करते वक्त, तब तक इसे वॉश करना है। एंड देन कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आपका फेवरेट है वो आप यूज़ करें हल्के हाथों से। एंड देन जो कंडीशनर मिला है इस बॉक्स, तो उसे अप्लाई करना है। एंड नॉर्मली जैसे कंडीशनर यूज़ करते हैं 2-3 minutes रख के देन उसे वॉश कर लेना है, एंड देन हेयर को ड्राई होने देते हैं एंड ये कलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ही करना है हमें ग्लोबल कलर। एंड अगर कोई इशू है, आपको नहीं समझ आता है, ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा हूँ। एंड अगर आप चाहते हो इस तरीके के और भी वीडियोस, सो मेंशन करो कमेंट में। सो गाइज, होप सो ये हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आते रहेंगे।